आओ जी प्लीज हमें सॉरी अंकल। मिस्टर कपूर ने जो किया वो सोचकर मुझे इन पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब राहुल और सुरभि की गिरी हुई हरकतों के बारे में सोचता हूं तो मुझे इन दोनों से सिर्फ और सिर्फ घृणा होती है। दिल तो करता है कि तुम दोनों को, लेकिन दूसरे ही पल सोचता हूं शायद कहीं ना कहीं हमारे अपनेपन हमारे प्यार में ही कमी रह गई होगी, इसकी वजह से हमारे ही अपने बच्चे हमारे अपने खिलाफ इस हद तक जा चुके हैं। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है, डॉक्टर्स ने कहा है कि सुप्रिया को हमें हर हाल में खुश रखना है, उसे किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं देना है, घर में खुशी का माहौल बना रहे, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं कहूंगा कि हमें राहुल और सुरभि को माफ कर देना चाहिए। नरेन तू जा बेटा, सुप्रिया ने बहुत जिद कर रखी थी घर वापस लौटने की, इसलिए अपनी मां के प्यार और सेहत की खातिर आप दोनों भी अगर हो सके तो राहुल और सुरभि को माफ कर दो। घर में परमानेंट सीट बुक करने के लिए मुझे इमोशनल कार्ड यूज करना होगा। नहीं जीजू, ये माफ करने का सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा? ये दोनों तो बेशरम हो चुके हैं। चलो आप जानते हैं जीजू, इन्हें तो इस फैमिली से बैन कर देना चाहिए, अकेले रहेंगे ना तब जाके फैमिली की वैल्यू समझ में आएंगे। अभी के अभी इस घर से आउट, जस्ट गेट आउट। घर के ऐसे हालातों की वजह से मैं सुप्रिया की तबीयत को और बिगड़ने नहीं दे सकता। मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं, मैं बहुत बुरा हूं मां। मैंने अपनी मां से मां सुनने का हक भी छीन ली। मुझे बिल्कुल माफ मत कीजिए, बच्चे तो गलतियां करते ही हैं, तो क्या माँ उन्हें माफ नहीं करेगी? क्या ऐसा हो सकता है क्या? बस तूने एक बार मुझे माँ कह दिया ना, इसी में मैं झेली मेरे बच्चे।
आंटी जी, ताई जी, आंटी जी, हमें माफ कर दीजिए। हम लोग बहुत बुरे, बहुत बुरे, बहुत बुरे, बहुत बुरे। ने आप लोगों के साथ बहुत जागती की बहुत चोटें पहुंचाए। अरे कोई अपने ही भाई का खून कैसे बहा सकता है? माफ कर दीजिए ताई जी। मैं पूरी बात तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि तुम दोनों ने सबको बहुत परेशान किया है, अपनों का खून बहाया है, पर तुम भी तो हो अपना ही खून। मेरी बस यही इच्छा है कि मेरा पूरा परिवार एक साथ रहे, एक छत के नीचे, एक डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक साथ खाना खाए, हर दिवाली हर होली एक साथ मनाए, फिर से सबकी एनिवर्सरी में खूब धमा चौकड़ी हो। सुनिए जी, क्या हम सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? हाँ सुप्रिया। चाहे तो बस जब तक मैं हूं, मैं हूं। ठीक है माँ, बस आपकी खुशी के लिए राहुल और सुरभि इस घर में रह सकते। लेकिन हमने तुम्हें अब तक माफ नहीं किए। आई बी वॉचिंग यू। थैंक यू नरेन, पर ये इनके लिए आखिरी मौका है। थैंक यू सो मच, तुम सच में बहुत प्यारी हो। और भाभी, आज के बाद अपने जाने की बात की ना तो देखिएगा, अभी तो आपको मयंक की शादी करवानी है। ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती। जी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं मयंक की शादी भी करवाऊंगी और पूजा और नरेन के बच्चों को भी खिलाऊंगी, देख लेना आप। सुनिए जी, मैं चाहती हूँ कि अगले शुभ मुहूर्त में मेरे बेटे बहू का विवाह पूरे रीत रिवाज के साथ किया जाए। जी जी, नीलू, पंडित जी को बुलवा करके शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाओ। इस बार पूरे फैमिली की एक अच्छी सी फोटो खिंचवाएंगे। अच्छा बाबा सुप्रिया, अब तुम अंदर चलो और अंदर चल के आराम करो। चलो। पूजा जी, अब इजाजत दीजिए। बड़ी ख्वाहिश थी आप दोनों की शादी में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त मेरा यहां से जाना ही सबके लिए बेहतर होगा। सो आई विश यू बोथ अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। गॉड ब्लेस। And now, Mrs. सुरभि राहुल व्यास, जानती हूं कि तुम तो सुधरने से रही, पर इतना जरूर याद रखना कि राहुल को जेल और तुम्हें वापस अमेरिका भेजने के लिए मुझे सिर्फ एक फोन कॉल की देरी है। Just be in your limits. Don't worry, भाभी जी, आज से मैं आपका अच्छा देवर बनने की कोशिश करूंगा। I promise. वेलकम बैक, दिस इज पूजा नरेन व्यास। आई प्रॉमिस इस बार हर सुख में, हर दुख में, हर बीमारी में, हर पागलपन में तुम्हारा साथ दूंगा। सोच लीजिए, बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं आप। अगर सोचना होता
तो इतनी मोहब्बत नहीं करता। भाभी ये देखो मेरे हाथों में क्या है, नरेन और पूजा की शादी की मनोहर पत्रिका। एक बार आप भी पढ़ लीजिए, फिर आज के आज पूरे शहर में बंटवाने का काम शुरू होगा। जी जी, पहला न्योता तो कन्हैया जी को ही मिलना चाहिए ना। मोरा पिया गुड मॉर्निंग नरेन बाबू। नरेन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नीचे शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं और दूल्हे मियां को सोने से फुर्सत नहीं। चलिए उठिए और जल्दी से तैयार हो जाइए। लगता है दुल्हन को शादी की बहुत ज्यादा जल्दी है। नहीं नरेन, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर नहीं करूंगी नरेन। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी। इतने में ही डर गई? मुझे लगा आप मुझे सच में भिगा देंगे। सही लगा था। कन्हैया जी, मेरे नरेन पूजा का विवाह आपके आशीष के बिना पूरा नहीं हो पाएगा। चिंता मत कीजिए भाभी, अब यही पार लगाएंगे सब। राम राम बड़े बाबू, जय श्री कृष्ण। अरे रे रे, जानता हूँ आप सब देख रहे हैं, पर इतना टेंशन मत लीजिए, अभी शादी की तैयारियां शुरू हुई हैं। शादी हो तो कहिएगा। आप करो तो सब सही और मैं करूं तो नाराजगी का हथियार। मुझे आपसे बात नहीं करनी। लगता है कोई बहुत ज्यादा नाराज है। अच्छा चलिए बताइए, क्या सजा मिलेगी मेरे इस खता की? आपको शादी करने की जल्दी है ना, आप कहे तो अभी भागकर शादी कर ले। कर पाएंगे आप? चैलेंज मत कीजिए मिसेस व्यास, आप भी जानती हैं मैं अपनी बातों से पीछे नहीं भागता।
वाह बड़े बाबू, आग लगाने की क्या खूब तैयारी की है। ऐसे क्या देख रही हो? बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ मैं। मुझे आपके चाय बनाने के स्किल्स पर कोई शक भी नहीं, और आज के बाद रहेगा भी नहीं। ये चाय आपका जायका बदल देगी। ट्रोली, ऐसा क्या स्पेशल है इसमें? आपके चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए एक छोटा सा मस्का। मस्का जब तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए थे ना, तब। वैसे 3 दिन बाद का मुहूर्त निकला है शादी का। 3 दिन बाद ही? शक्ल तो ऐसे बना रहे हो दोनों जैसे तुम दोनों को शादी ही नहीं करनी है। फिर तलाक देकर इतना तमाशा क्यों किया? इस बार तुम दोनों की शादी पूरे धूम धड़ाके से करेंगे। चंपा प्रीत निशानी थारो मनड़ो मोहसी बन्ना, थारो मनड़ो मोहसी बन्ना। आसी सज धज कर थर अंगना ल्यासी फूलारा थर गहना, बन्निया वेला थर बन्ना, बन्निया वेला थर बन्ना। आसी सज धज कर थर अंगना ल्यासी हीरा मोती बन्ना, बन्निया वेला थर बन्ना, बन्निया वेला थर बन्ना। माँ क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं लग रही? नहीं बेटा, सब ठीक है। बस अगर पुरानी बातें याद आ जाती तो आज खुशियां दोहरी हो जाती। बिना यादों के तो ऐसा लगता है जैसे कि मन में अंधेरा छा गया हो। माँ पहले आप पूरी तरीके से ठीक हो जाइए, शादी के बाकी फंक्शंस हम बाद में धूम धड़ाके से कर लेंगे। हाँ माँ, अब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो शादी में हम सब खुश कैसे रहेंगे? ना ना, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। शादी होगी और 3 दिनों बाद ही होगी, और वैसे भी अगला शुभ मुहूर्त अगले साल का ही है, और इतनी देर तो मैं रुकने से रही। अब मान भी जाओ बच्चों, अपनी माँ का मन रखने के लिए यहाँ कर दो। तो फिर बात पक्की। जी जी, मैं अभी से ही कह देती हूँ कि कल के मेहंदी में मैं खूब सजूंगी। अरे वाह!
पूजा बेटा, कल तुम भी यही हार पहनना। नरेन की दादी ने मुझे ये हार दिया था, पहन करके तो दिखाओ। हाँ नरेन, पहनाओ हार। अरे वाह, ये हार तो बहुत जच रहा है दुल्हन पर। दुनिया के सातों सुख एक तरफ और ऐसी बहू मिलने की खुशी एक तरफ। कितने खुश हैं भाई और भाभी जी, बट एज यूजुअल ये शादी तो नहीं होगी। जस्ट वेट एंड वॉच।